बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि ल्यूमिनस कंपनी का है। तो देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, बैटरी से वायर्स के हमने कनेक्ट कर दिया। इसे ऑन करेंगे तो देखिए, इसमें आपको स्विच में इंडिकेटर जलता हुआ दिखाई पड़ा होगा, बट ये जो इसका मेन इंडिकेटर है यूपीएस ऑन का, वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसके देखते हैं आउटपुट ये निकाल रहा है या फिर नहीं निकाल रहा है। आउटपुट चेक करने के लिए हम ये वोल्टमीटर इसके पीछे लगाएंगे आउटपुट पर इसके इन्वर्टर के, ताकि हमें मालूम पड़ेगा कि इन्वर्टर आउटपुट निकाल रहा है या फिर नहीं निकाल रहा है। तो अब इसे हम सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, इन्वर्टर तो ऑन नहीं हुआ है, केवल स्विच में इसका एक लाइट जल रही है और ये आउटपुट भी नहीं निकाल रहा है। तो अब इसे देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। इसके लिए हम घुमा लेंगे, घुमा के आपको अंदर से दिखाते हैं। इससे पहले चेक करेंगे कि हमारा बैटरी का करंट कहां तक पहुंच रहा है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर हमारा एनालॉग या फिर डिजिटल कोई सा भी हो सकता है। तो देखिए, मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट पर सेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा 12 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला इन्वर्टर है। तो इसके लिए हम इसे 20 वोल्ट रखेंगे, ताकि 20 वोल्ट के अंदर अंदर की वोल्टेज ये बताता रहेगा। ये हमने डीसी वोल्टेज पर सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर की प्रोब हम बैटरी के नेगेटिव पर, यानी जहां पर बैटरी का नेगेटिव वाला वायर आ रहा है वहां पर, और जहां पर ये बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है वहां पर लगा के चेक करेंगे। ये देखिए, यहां पर बैटरी का करंट आ रहा है, मीटर हमारा दिखा रहा है। अब हम ये देखिए फ्यूज पर चेक करेंगे नेगेटिव, और फ्यूज के बाद देखिए, देखिए फ्यूज भी हमारा सही है, क्योंकि फ्यूज के हम दोनों पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि फ्यूज के आगे डीसी वोल्टेज बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, ये सही है। और वैसे भी देखिए, अगर फ्यूज खराब होता तो आगे जो स्विच में हमारा इंडिकेटर चल रहा है वो नहीं चलता। तो यहां तक तो हमारा ठीक है, डीसी करंट हमारा यहां तक आ रहा है। और एक बार अभी हम इसे चार्जिंग पर भी ऑन करके देखते हैं कि हमारा इन्वर्टर चार्जिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम इसे मेन लाइन से कनेक्ट करेंगे। देखिए, इसने मेन लाइन भी सेंस नहीं की है। तो इस तरह के केसेस में आमतौर पर जो सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है, यानी सबसे ज्यादा जो चीज खराब होने की संभावना रहती है, वो आपको बता रहे हैं। और ऐसे इस तरीके से बताएंगे कि आपको मल्टीमीटर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी इस टाइप का फॉल्ट आता है तो सबसे ज्यादा जो संभावना रहती है, तो वो इसकी प्रोग्रामिंग आईसी होती है इन्वर्टर की। ये इन्वर्टर का ब्रेन होता है, तो इसके खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस आईसी को निकाल देंगे, बहुत आराम से निकालेंगे। देखिए, कोई छोटा पेचकस वगैरह ले लेंगे, तो उससे हल्का सा इसे जैसे पुश करेंगे ऐसे ऐसे निकाल देंगे। और निकाल के फिर दोबारा हम यहाँ पर दूसरी आईसी लगा देंगे। आईसी चेंज करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस तरफ से निकालें उसी तरफ से आईसी लगाएं। तो इसमें देखिए, एक पहचान का एक तरीका ये होता है कि आईसी में आपको एक तरफ ये थोड़ा सा कट दिखाई पड़ रहा होगा बीच में, और दूसरी तरफ देखिए बिल्कुल प्लेन है। तो जो इसका बेस है, बेस में भी आपको देखिए ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, ये थोड़ा सा कट लगा हुआ है और इधर से प्लेन है। तो ये इसकी पहचान होती है, हमें आईसी इसी तरीके से लगानी है। अगर हम आईसी उल्टी लगा देंगे तो फिर आईसी भी खराब होगी और प्लस हमारा इन्वर्टर भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए देखिए, अभी फिलहाल मेरे पास एक दूसरी किट है सेम मॉडल की, तो उसकी आईसी निकाल लेते हैं। आईसी बहुत आराम से निकालेंगे। आईसी निकालने के बाद ये आईसी हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए, इसे हम लगा देंगे। इसमें हमें कोई सोल्डिंग नहीं करनी है, ये बेस में फिट हो जाएगी। और इसे लगाने के बाद हम इसे चेक करते हैं बैटरी से। ये देखिए, यूपीएस ऑन का इंडिकेटर इसने शो कर दिया। देखिए, ऑन ऑफ ये अपना फंक्शन कर रहा है। अब इस पर आउटपुट लगा कर चेक करते हैं, यानी मीटर से या फिर लोड वगैरह डालकर चेक करते हैं। ये देखिए, मीटर ने भी आउटपुट दिखाना शुरू कर दिया। ये देखिए, मीटर हमारा आउटपुट दिखा रहा है। ये देखिए, ये हमारा इन्वर्टर परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब इसे चार्जिंग पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसे हम चार्जिंग पर लगाएंगे। ये देखिए, इसने मेन सेंस कर लिया है और चार्जिंग भी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको मीटर में दिखाते हैं। ये देखिए, चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है।
चार्जिंग का इंडिकेटर भी जलना शुरू हो गया है। दोस्तों इस तरह ये इन्वर्टर हमारा रिपेयर हो चुका है, इसके लिए हमें किसी तरह के कोई खास पार्ट्स वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैंने आपको सीधा सीधा वो फॉल्ट बताया जो फॉल्ट अक्सर आता है, एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग इस फॉल्ट को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आप ऐसा नहीं कि केवल यही ल्यूमिनस का इन्वर्टर या फिर आप और भी इन्वर्टर आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।